आज हम बात करने वाले हैं कि डेल जो ये डेल इसका खास बात क्या है, तो पता है 11 जनरेशन i5 के साथ आता है जो कि है 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ। आपको पता होगा कि इंटेल जो 11 जनरेशन तैयार कर रहा है वो आपका जो कोर काउंट है वो कम कर रहा है और जो मेगाहर्ट्ज है वो ज्यादा कर रहा है। इस पॉइंट से आपके 4.02 गीगाहर्ट्ज आपको मिलेगा। तो यही बात है कि 11 जनरेशन का तो ये बहुत पहले ही लॉन्च हुआ था, तो मेरे पास अभी आया तो मैं इसका अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये डेल का है तो देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो चलिए तो पहली बात तो इसका आपको एडाप्टर मिल जाता है जो कि 45 वॉट का देख सकते हैं, और इसका जो पिन कनेक्टर है कुछ इस तरीके से आपको लोगों को दिखने वाला है। और इसका जो मैनुअल गाइड और इसके अंदर आपको पावर कॉर्ड दिया जाता है जो कि आपको जो आपके जो एडाप्टर है चार्जर एडाप्टर है इस तरीके से कुछ आपको लगने वाला है। देखिए कि ये जो है इस तरीके से कुछ आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। और जो आखिरी और मेन जो पार्ट है हमारा वो है हमारा लैपटॉप, तो हम लैपटॉप को निकाल लेंगे आराम से। ये कुछ सिल्वर कलर में आता है लैपटॉप, देख देखिए ये सिल्वर कलर का लैपटॉप। पीछे के साइड हम देखेंगे लैपटॉप के, जो पीछे के साइड देखेंगे कि दो स्पीकर आपको आप लोगों को देखने मिलेगा और इधर आपको जो एयर है हीटिंग जो एयर है वो इधर से बाहर निकल जाएगा, तो काफी सही है। इस साइड में हीटिंग नहीं दिया, पीछे से दिया है, वो काफी अच्छा है। अगर लैपटॉप की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 11 जनरेशन i5 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि विंडोज 10 प्रो 64 बिट के साथ लैपटॉप में ही देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इधर इंटेल का एक XC ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा डेडिकेटेडली। अगर रैम के बारे में बात करें तो इधर मेरे पास 4GB वेरियंट है जो कि एक ही सिंगल रैम है और वो 2066 के रैम के साथ आता है जो कि काफ़ी में सही है और अच्छा। अगर लैपटॉप के स्टोरेज की बात किया जाए तो इधर 256 का NVMe एसेसरी देखने को मिलता है और इसके साथ भी एक 1 TB की साटा हार्ड ड्राइव आपको देखने को मिल जाए। अगर लैपटॉप की राइट साइड के बारे में बात करें तो इधर एक SD पोर्ट और एक USB पोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में एक चार्जर पोर्ट, एक LED इंडिकेटर, एक HDMI, एक ईथरनेट पोर्ट और दो USB पोर्ट और एक 3.5mm हेडफोन का जैक अपने को देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप के ऊपर की तरफ आपको एक कैमरा, एक माइक्रोफोन और एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो लैपटॉप कुछ तरीके से है, ये जो स्क्रीन है दोस्तों आप देख सकते हैं एक नैरो स्क्रीन में आप लोगों को मिलता है। एक WBA पैनल का है, मतलब आप साइड से भी देखेंगे BA पैनल में क्या होता है, आप साइड से देखेंगे तो नहीं दिखता है, बट ये जो WBA पैनल है मतलब ये साइड से भी दिख सकते हो। बट इसके जो कलर जो प्रोडक्शन है उतना अच्छा नहीं है, बट आपको चल जाएगा। तो लैपटॉप को हम ऑन करते हैं जल्दी जल्दी, और आपका जो लैपटॉप का जो पावर बटन है वो आप लोगों को कीबोर्ड के अंदर ही मिलेगा, एक्स्ट्रा स्विच नहीं है, कीबोर्ड में ही आपको ये पावर बटन देखने को मिलेगा। जल्दी से लैपटॉप ऑन कर लेंगे, ऐसे में लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इस लैपटॉप के साथ आप बहुत सारे हेवी टास्क भी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लैपटॉप काफ़ी इंप्रेसिव और एग्रेसिव भी है, अगर कोई हेवी टास्क करना चाहता है इस लैपटॉप के साथ तो कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इस लैपटॉप लेके आपको नहीं होने वाला है क्योंकि i5 11 जनरेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेसर के साथ आता है। अगर लैपटॉप की फ़ैन की आवाज़ के बारे में बात करो तो आप सुन सकते हो, तो सुनिए। अभी हम लोग करेंगे लैपटॉप का साउंड टेस्ट, तो स्टार्ट। तो अभी हम लोग करेंगे लैपटॉप का स्क्रीन का कलर टेस्ट, तो स्टार्ट।
एक कुछ लैपटॉप का कैमरा सैंपल शॉट है, तो चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो सैंपल इसे गुड, जो ऊपर में लाइट ब्लिंक कर रहा है, ऊपर का लाइट है, सही है।